आपने किनको फॉलो करना है, किनको नहीं फॉलो करना, आपका जिंदगी में टारगेट क्या है, जिंदगी में तरक्की हासिल करनी है, जिंदगी में सक्सेस पानी है, तो आपको वो ये चार टीचर हैं जो सबसे बेस्ट टीचर हैं, इंडिया के बेस्ट टीचर बन गए। तो YouTube जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये आपके हाथ में बहुत बड़ी ताकत है। जो आप छोटा सा मोबाइल लेके घूमते हो, जिसके पास पैसा है उसी को लोग पूछते हैं तू कैसा है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको कोई नहीं। दोस्तों, राजवंत सिंह वाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, ये मैंने कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जो पर्सनैलिटीज चल रही हैं उनके बारे में लिखा है। आपने किनको फॉलो करना है, किनको नहीं फॉलो करना, आपका जिंदगी में टारगेट क्या है, आपने जिंदगी में बनना क्या है। यदि आपने कुछ जिंदगी में बड़ा बनना है, जिंदगी में तरक्की हासिल करनी है, जिंदगी में सक्सेस पानी है, तो आपको दिव्या कृति सर इनका चैनल देखना होगा। दिव्या कृति सर आप सभी को पता है कि बहुत अच्छे इंडिया के बेस्ट टीचर हैं। उसके बाद खान सर है, खान सर को कौन नहीं जानता पटना वाले को, ये इनका चैनल आप देख सकते हो, इनको फॉलो कर सकते हो। यदि आप यंगस्टर हो और आपने जिंदगी में कुछ पढ़ाई लिखाई करनी है, कुछ आगे चलना है, उनको देख सकते हो। फिर अरविंद सर है जिनका नैया पार चैनल है, नैया पार वाला जो चैनल है वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया हो सकता है। और उसके बाद मैंने ओझा सर लिखा है, ओझा सर को भी आप फॉलो कर सकते हो। ओझा सर भी यूपीएससी की तैयारी कराते हैं और बढ़िया तरीके से, मैं समझता हूँ बहुत बेस्ट टीचर है ये जो चारों का नाम लिखा है। हालांकि टीचर और भी बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन जिनको नोट किया गया है वो ये चार टीचर हैं जो सबसे बेस्ट टीचर हैं, इंडिया के बेस्ट टीचर माने जाते हैं। यदि आपने फिर अपना भट्ठा बटाना है तो फिर कैरी मिनाती वाला चैनल आप देख सकते हो। पता नहीं कितने मिलियन फॉलोअर हैं उसके, कितने मिलियन सब्सक्राइबर हैं, पता नहीं क्या क्या बोलता हो वो देख सकते हो। उर्फी जावेद को फॉलो कर सकते हो, और नीटू शटर वाला है पंजाब का, उसको यदि आप फॉलो कर सकते हो। आगे भाभी रंजीत कौर लिखी है मैंने, तो इनको मतलब कोई टैलेंट नहीं इन बंदों के पास, और फिर भी सोशल मीडिया के स्टार है। हमने देखना है कि हमने पहुंचना कहां है। भैया ट्रेन बहुत अच्छी चीज है, आप ट्रेन की टिकट बुक करवाओ, बॉम्बे जाना है, गोवा जाना है, कहीं भी जाना है, एसी में जाके बैठ जाओ, सो जाओ, आपको बैठे बैठे लेके चल जाएगी। यदि आप उसका मिसयूज करोगे, उसके आगे छलांग लगाओगे, तो वो आपका क्या हल करेगी, उससे भी आपको बचना होगा, उससे भी आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या हल होगा। सो YouTube जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये आपके हाथ में बहुत बड़ी ताकत है। जो आप छोटा सा मोबाइल लेके घूमते हो, ये बहुत बड़ी चीज है। इससे आप जिंदगी भर की रोटी कमा सकते हो, जिंदगी भर का ज्ञान दे सकते हो, जिंदगी भर का ज्ञान ले सकते हो, और बहुत चीजें नोट कर सकते हो। लेकिन यदि हमने इसका मिसयूज करना है, इसके ऊपर गंदी मंदी फिल्में देखनी है, कोई और साइटें गंदी साइटें खोल के देखनी है, या ऐसे बंदों को फॉलो करना है, ऐसे बंदों को तुम फॉलो करते हो जिन जो आपका टाइम खराब करते हैं और आपकी जिंदगी खराब करने वाले हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। ये मैंने इसीलिए आज का वीडियो बनाया कि भाई मैं आपसे हाथ बांध के विनम्र विनती करता हूं कि यदि आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो ये चार शख्स हैं, इनको जरूर फॉलो कर लो। जो अच्छे अच्छे लोग हैं और भी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, इनके बिना भी और भी बहुत है, उनको भी आप फॉलो कर सकते हो। तो यदि आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, अभी बने नहीं हो, तो डेफिनेटली आपको जैसे घोड़े के आंखों पर खोपे लगा के चलाना पड़ता है कि आसपास उसका ध्यान ना जाए, आपके आंखों के ऊपर भी इसी तरीके के खोपे लगाने पड़ेंगे ताकि आपका ध्यान ना भटके। आपका ध्यान भटके, ये जो लाइन मैंने डाली है उस लाइन से उधर ना जाए। यदि आपका ध्यान उधर चला गया तो आप डेफिनेटली मेरे से लिख के ले लो, आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे। सो दोस्तों, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने बनना क्या है। मैं
आपसे उम्र में किसी से बड़ा होगा किसी से छोटा होगा, लेकिन मैंने जिंदगी में बहुत धक्के खाए हैं, तो मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे के हिसाब से आपको यही कहना चाहता हूं कि भाई आप सीखना शुरू करो। यदि आप जिंदगी में सीखोगे तो बड़े बनोगे और जिंदगी में बड़े बनके पैसा कमाओगे। जिसके पास पैसा है उसी को लोग पूछते हैं तू कैसा है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको कोई नहीं पूछता। सो यदि आपने पैसा कमाना है, कामयाब होना है, तो ऐसे लोगों की संगत करो जो आपको कामयाबी की ओर लेके जाए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके हाथ से टाइम निकल जाएगा और आपके पास पछताने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचेगा। आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना और इसके ऊपर कमेंट भी करना। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। भाई सीखते जाओ, पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। आपने चंगे माड़े की पहचान, चंगे माड़े का फर्क, अच्छे बुरे का फर्क जरूर देखना है कि आपके हक में कौन है, आपके खिलाफ कौन जा रहा है। हमें एंटरटेनमेंट के लिए उकसाया जाता है कि एंटरटेनमेंट सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। बाहर में जाए ऐसी बड़ी इंडस्ट्री जो हमें खाने के लिए भी मतलब कुछ भी नहीं देती, हमारा सिर्फ टाइम ही खराब करती है। सो दोस्तों, यदि आप लर्निंग को लर्निंग मोड पे आ जाओगे, लर्निंग को अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लोगे, तो डेफिनेटली आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाओगे और आप अपने माँ बाप की, अपने समाज की, अपने देश की सेवा कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ।